हेलो दोस्तों, वापस से स्वागत करता हूँ आपका। मेरा नाम है रवि वर्मा, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइंडिस। आपने इस वीडियो को प्ले किया है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपका फ़ोन लॉक हो गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ आपके प्रॉब्लम को। आप बस बेफिक्र हो जाइए और हमारे द्वारा बताए गए सभी स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें कि कैसे हम ये सारे स्टेप को करते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को जो मैं बोलता हूँ, और उतना ही आपको करना है जितना आपको बताया गया हो। अगर आप एक्स्ट्रा करेंगे तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम नहीं होंगे। तो चलिए फटाफट ट्रिक यूज करते हैं कि अब देखिए यहाँ पे मार्च मंथ का नया कोड आ गया है। मार्च मंथ का नया कोड आ गया है और पहला कोड जो है यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जिस कंपनी का फ़ोन आपका लॉक है, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एमआई, सोमी, वन प्लस, गूगल पिक्सल, यानी कि समझ जाइए कि एसुस को छोड़ के जितने भी ब्रांड के हैंडसेट आप यूज कर रहे हैं सब इस मेथड से अनलॉक हो जाएंगे, वो भी विदाउट डेटा लॉस। बिल्कुल सही सुना आपने, विदाउट डेटा लॉस हम आपको बताने वाला है। ये वीडियो आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि आप क्या मैं बताऊं आपको। अगर आप एक दुकानदार हैं तो आप हमारे वीडियो को देख के सीख सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। गरजने वाले कहते हैं कि बरसते नहीं है, तो मैं भी वही वाला हूँ कि ज़्यादा आपको मैं ये नहीं बोलूँगा भाई, आपको देखना है तो देखिए, बहुत ही काम का वीडियो है। जब भी फ़ोन आपका लॉक हो जाए फ़ोन को सबसे पहले ऑफ कर देना है। अगर कोई मेथड आप यूज कर चुके हैं हमारे किसी और के, या किसी का भी मेथड आप एक बार यूज कर चुके हैं, फ़ोन को ऑफ कर दीजिए। ये सबसे पहला जो बोनस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, फ़ोन को ऑफ करने के बाद यहाँ पे आपके पास आएगा कि पासवर्ड रिक्वायर्ड व्हेन फ़ोन रीस्टार्ट। तो कहेगा भैया आपने तो फ़ोन को ऑफ किया नहीं। तो भैया मैं भी आपके सामने अपने फ़ोन को यहाँ पे, हमारे पास जो रियलमी का डिवाइस है इसको हम रीस्टार्ट कर लेते हैं। रीस्टार्ट या पावर ऑफ, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको यहाँ पे कर लेना है, ताकि जो भी आपने मेथड यूज किया होगा अपने स्मार्टफोन में, चाहे किसी का भी मेथड आपने यूज किया, चाहे आपने खुद से ही ट्राई किया हो, वो सारा का सारा रिलीज हो जाता है, वहाँ से हट जाता है। तो ये चीज़ आपको बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, और उसी फ़ोन में आपको दिन भर पता नहीं क्या से क्या आपको बताते रहते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो लोग छुपाते हैं, और मेरा वो काम नहीं है। मैं अपने चैनल पे एकदम जो लॉयल हूँ, हमारे लॉयल कस्टमर हैं और ज्वाइन करते हैं, सीखते हैं, बहुत सारे दुकानदार भाई हैं, यंग स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि अनलॉकिंग से रिलेटेड चीज़ों को सीखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपके सामने सेम ऐसा ही ऑप्शन आ रहा होगा, चाहे आपका पिन हो, पासवर्ड हो, पैटर्न हो, तो इसी तरीके का ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, डन। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, उसको फॉलो करना है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम बनाएं उसका मैसेज और नोटिफिकेशन आपके मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट पर पहुँच जाए। माफ़ कीजिएगा थोड़ा कभी कभी जल्दी बोल देता हूँ, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे लिए करना है ये कि यहाँ पर आपको इमरजेंसी कॉल मेरे मोबाइल पर इस कॉर्नर पर दिख रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मेरे मोबाइल के इस कॉर्नर पे आपको इमरजेंसी कॉल दिख रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे आपको दिखेगा, बीच में, अगल बगल, कोने में, ऊपर में, कहीं भी आपको इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन दिख सकता है। डन। अब आपको यहाँ पे इमरजेंसी कॉल वाले पेज पे इस तरीके से क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या खुल के आ रहा है, यहाँ पे खुल के आ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए स्क्रीन जिस पे हम डायल पैड बोलते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ को नोटिस नहीं कर रहे होंगे, या बहुत सारी चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि हमारे इस फ़ोन में वाईफाई कैसे कनेक्टेड है। तो ये जो फ़ोन है हमारा, घर का फ़ोन है, वाईफाई इससे एनी टाइम जो है कनेक्टेड होता है। तो ये मत सोचिएगा कि आप यहाँ पर भाई बंदे ने वाईफाई कैसे कनेक्ट कर दिया, हमारा जो फ़ोन जैसे सिचुएशन में था वैसे ही हमारा हो गया है, और इसको हम यहाँ से ऑफ भी, ये देखिए यहाँ पे इसको, यहाँ से हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन ये फीचर्स बहुत सारे फ़ोन में नहीं होता है। अगर आप फ़ोन को लॉक हो गया फ़ोन आपका, इस तरीके से मैसेज आता है, तो आप इसको यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, आपको इमरजेंसी कॉल में जाके इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो ये चीज़ आपको बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे। तो वाईफाई ऑन रहे या ऑफ रहे इससे कोई भी लेना देना आपको नहीं है।
ठीक है, डन। नेक्स्ट जो हमें यहाँ करना है, इमरजेंसी कॉल पे चल जाना है। इमरजेंसी कॉल में जाने के बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमें इस तरीके से इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ से सेटिंग को ओपन करना है। लेकिन हमारा फ़ोन यहाँ पे अगर सेटिंग से खुल गया तो समझिए नॉर्मल लॉक है। अगर सेटिंग से हमारा फ़ोन यहाँ पे, ये देखिए सेटिंग अगर यहाँ से नहीं खुला तो समझिए कि हमारा फ़ोन को FRP करना पड़ेगा, या तो MTK टूल के साथ करना पड़ेगा या कि UMT टूल से करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा कि किस चीज़ से ये यहाँ पे होने वाला है, डन। अभी यहाँ पे अगर ये यहाँ पे नहीं खुलता है कोई दिक्कत नहीं है, इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक करेंगे और उसके बाद *#899# ये ऑप्शन हमें डायल करके देखना है कि क्या हमारे स्मार्टफोन में कुछ इंजीनियर मोड टाइप का ऑप्शन खुल रहा है या फिर नहीं खुल रहा है। अगर ये खुल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसको हम यहाँ पे बैक कर लेंगे, ठीक है। बैक करने के बाद अब यहाँ पे इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डायलर पैड का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। और अब हमें यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हम आपको जनवरी महीना, फरवरी महीना ख़त्म हो गया है और अब यहाँ पे आ गया है मार्च का कोड। ध्यान दीजिए, मार्च का कोड थोड़ा लंबा है, तो यहाँ पे जो 86 के बाद *# लगेगा और उसके बाद ये सारे नंबर यहाँ से है, तो यहाँ पे हैज यहाँ पे लगा हुआ है और 89 से शुरू है और यहाँ पे ये देखिए *## लास्ट में है, तो 6 तक आप नोट कर लीजिए और उसके बाद ये ऑप्शन है। तो ये कोड आपको डायल करना है, इससे आपके फ़ोन में अगर FRP लॉक लगा होगा तो FRP अनलॉक होगा, UMT लॉक लगा होगा तो UMT अनलॉक हो जाएगा। दोनों ही सिचुएशन में ईमेल आईडी नॉट रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास ईमेल आईडी आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये सारे ट्रिक को ये एकदम ऑब्जर्व करेगा जो भी आपका ईमेल आईडी होगा। यहाँ पे अभी आपको कॉल करना है, कॉल का टाइमिंग होता है कितने बार क्लिक करना है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 10 टाइम हमें इसको कॉल करना है, ज़्यादा हो जाए कम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने भी एक बार यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे कर दिया। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है कि इन सारे नंबर्स को हटा देना है, मैंने नंबर हटा दिया है। अगर जिन लोगों ने नहीं नंबर को लिखा है वो बैक जाके वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या किसी भी डायरी कॉपी पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको *#813 ध्यान से देखिए, सारे ट्रिक को इधर उधर ध्यान मत दीजिए, ध्यान से देखिए *#813 एंड हैज यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। हैज अप्लाई होते ही आपने देखा वापस से हमारा फ़ोन लॉक स्क्रीन पे आ गया, यानी कि अभी भी हमारा फ़ोन अनलॉक नहीं हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अब जो है यहाँ पे हमें नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हमें अपने स्मार्टफोन में एक ऐसा मेथड यूज करना है जिससे फाइनली फ़ोन हमारा अनलॉक हो जाएगा। वो ऑप्शन है यहाँ पे *#899#, जो कि हमने शुरू में यूज किया था, अगर आपको ध्यान होगा तो शुरू में हमने इसको यूज किया था। अब जो यहाँ पे हमें करना है ये कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऑप्शन दिख रहा है मैनुअल टेस्ट का, मैनुअल टेस्ट पे हमें क्लिक कर देना है एंड देन यहाँ पे हमें सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है इस तरीके से की स्टेटस पे क्लिक कर देना है। की स्टेटस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पास 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 का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे हम इसको बैक करेंगे और फिर से बैक करेंगे और वापस से मैनुअल टेस्ट में जाके सेकंड ऑप्शन में हमें देखने को मिल जाएगा सेंसर सेल्फ टेस्ट कैलिब्रेशन, इस पे क्लिक करेंगे और तीनों को स्टार्ट कर देंगे, ये देखिए। और इसके बाद क्या करना है, बीच वाला ऑप्शन दबा देना है और यहाँ पे फिर से हमें ये ऑप्शन दिख रहा है, ये देखिए। यहाँ पे अब हमें कुछ और ही ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली वो ऑप्शन ख़त्म हो गया है, पासवर्ड का ऑप्शन आ गया है। अब हमें यहाँ पे इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन पे चल जाना है, यहाँ से इमरजेंसी जो डायलर पैड का ऑप्शन है यहाँ पे हमें चल जाना है एंड देन *#813 एंड हैज यहाँ पे डायल करना है और फ़ोन आपका यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। तो कैसे अनलॉक हुआ पूरा डिटेल आपने देखा, कोई भी हेल्प चाहिए नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।